जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, हमें खुद लंगर लेना पड़ेगा। लंगर में बने हुए हैं पूरी छोले। बस इस प्लेन के, इस जेट के सामने आ गया हम। फाइट जवान शहीद हुए ना 1999 में, उनके सबके नाम लिखे हुए हैं इधर, सबके नाम। गोलिन, गोलिन समझाई? प्रिंसेस, प्रिंसेस। भाई कितना बड़ा वाला है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। करते हैं नए दिन की शुरुआत, वो भी लेह लद्दाख में। आज अपने घर जा रहे हैं वापस श्रीनगर। यहाँ पर ना मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। यहाँ देखो क्या हुआ, लिप्स को ये हो गया और नोज को देखो, नोज रेड हो गई है पूरी ना। मैं पूरा बीमार हो गया हूँ। तो अभी जो मेरा कजन भाई आया था ना, उसके साथ मेरे को तगड़ी वाली लड़ाई होगी यार। छोड़ो यार, इस बात में छोड़ो यार, क्या किस बात में लड़ाई हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिलहाल हम यहाँ से निकलते हैं, ठीक है ना। वो नीचे वेट कर रहा है भाई मेरा। सो गाइस, फाइनली हम रूम से निकल चुके हैं। अब तो जाना पड़ेगा बाइक में। मैंने बताया क्या प्लान बनाया था, मैंने सोचा बस में निकलूंगा, बस सर्वाइव करूंगा, मगर नहीं। चलो अपने भाई को भी धोखा नहीं देना है, उसके साथ जाना है। मगर लड़ाई हो गई है, अब वो कैसा है क्या है, खुशकी है, मुझे उससे कोई लेन देना नहीं है। तो भी फिर भी मेरा भाई है, चलो कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। बात बात में लड़ाई करने लग जाता है यार, और लड़ाई करके तेज़ बाइक चलाने लग जाता है। तब इसको मैंने, उस दिन मैंने पैंगोम लेके गए थे ना, तो मैंने उससे चाबी भी छीनी थी। मतलब आस्ता चला, तेज मत चला। चलो निकलते हैं, क्या बताते हैं क्या अपडेट्स होगी। अब मुझे लगता है बर्फ़ पड़ने वाली है यहाँ ले में, इससे पहले हम श्रीनगर पहुँच जाए। मेरे भाई की शादी भी है यार, अपने भाई की शादी है, रेल भाई की शादी है घर पर। तो भाई फाइनली हम लेह लद्दाख से निकल चुके हैं। यहाँ पर कल इवेंट चल रहा था ना, अभी हम लद्दाख में हैं। तो अभी से उसके बाद जाएंगे पत्थर साहब गुरुद्वारा, वहाँ अच्छे से दर्शन करेंगे, अच्छे से लंगर करेंगे, अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर तो सीधा डायरेक्ट निकल जाएंगे अपने कश्मीर के लिए, ठीक है ना। गाइस फाइनली हम श्रीनगर के लिए निकल ही रहे थे, तो लेह मार्केट के सामने ना मैं अपने लिए ले रहा हूँ चाइना की टॉफी, चीन की टॉफी। ये होती है मिल्क की, बनती किसकी बनती भैया? ये दूध का बनता है। ये कहाँ से आता है? ये चाइना से, चाइना से आता है ना, ये चाइना से आता है। ये बहुत मशहूर है, खाली लद्दाख में मिलेगी, पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगी। अब उसी को मिलेगी, कोई लद्दाख आया होगा वही लेके बाहर बेचता होगा। वैसे लद्दाख में मशहूर है कैंडी। मैं तो एक पैकेट लेने वाला हूँ, ठीक है ना। घर वालों के लिए कुछ तो लेके जाना है ना। कुछ ऐसी मार्केट है, ले मार्केट वहाँ पर है ना, जहाँ पर G20 का बोर्ड लगा है। सामने ये पूरी मार्केट लगती है चाइनीज मार्केट, इधर ना चाइनीज कैंडीज मिल जाएगी आपको। फिलहाल अभी हम निकलते हैं पत्थर साहब गुरुद्वारे के लिए, वहाँ दर्शन करते हैं, अच्छे से निकल जाते हैं, मस्ती राइड करते हैं अपनी श्रीनगर के लिए। रिकन में भी तेल खत्म हो गया, कल खरदुंगला गया था ना, सारा तेल खत्म हो गया है। तो फिलहाल अच्छे से तेल वेल डालते हैं, फिर निकलते हैं अपने रास्ते के लिए। फिर जाना है पत्थर साहब गुरुद्वारे, दर्शन भी करने हैं वहाँ पर, अच्छे से लंगर भी खाएंगे। तो एक बार फिर आपको दर्शन कराएंगे पत्थर साहब गुरुद्वारे के। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है। तो गाइस आज हमें मटकते मटकते श्रीनगर जाना है, आराम से जाएंगे, मजे से जाएंगे। 3-4 दिन में हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे ना। ऐसे मुझे लगता है स्पीड से अच्छा ना टांगा है, टांगा भी इससे तेज चलता है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हाईवे में। तो यहाँ से कम 28 किलोमीटर है यहाँ पर पत्थर साहब गुरुद्वारा। तो आराम से चलते हैं, फिर आराम से जाएंगे, आराम से श्रीनगर के लिए निकल जाएंगे। देखते हैं क्या सीन रहेगा, कितने बजे तक पहुँचते हैं हम, अभी कुछ नहीं पता। मौसम भी यहाँ पर बर्फ वाला हो रखा है। सो गाइस फाइनली हम पत्थर साहब गुरुद्वारा पहुंच गए हैं, तो अच्छे से दर्शन करते हैं, फिर निकलते हैं अपनी राइड के लिए, अपने मतलब अपने श्रीनगर निकल जाते हैं। यहाँ आज इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, मुझे तो आज ज़्यादा रश है यहाँ पर। देखो कौन मिल गया, बड़ी कुछ खाया कर लो, कुछ खाया कर लो, खाते नहीं हो, कुछ कमज़ोर हो गए हो। सो गाइस फाइनली हम पत्थर साहब गुरुद्वारे में पहुंच गए हैं, तो जाते हैं दर्शन करने, ठीक है ना। पहले हाथ मुंह धो लेते हैं अच्छे से, फिर जाते हैं अंदर दर्शन करने, फिर उसके बाद जाएंगे हम लंगर खाने जाएंगे। लंगर जैसे ही खाएंगे उसके बाद निकल जाएंगे सीधा डायरेक्ट श्रीनगर के लिए, ठीक है ना। सो गाइस फाइनली हम जाते हैं पत्थर साहब अंदर, पत्थर साहब गुरुद्वारे के अंदर दर्शन करने के लिए। चलो गाइस ऊपर चल के ना एक और गुरुद्वारा है, वहाँ भी अच्छे से दर्शन कर लेंगे। क्योंकि जब मैं पहले आया था ना, मैंने पहले यहाँ पर दर्शन नहीं किया था, तो जाते हैं ऊपर दर्शन करते हैं, पहले यहाँ पर दर्शन कर लेते हैं, फिर वहाँ से लंगर खुद लेना पड़ेगा। तो चलते हैं ऊपर दर्शन करने के लिए। अभी यहाँ से कम 40 से 50 सीढ़ियाँ होंगी ऊपर चढ़ने के लिए, चढ़ते हैं। सो फाइनली हम पहुँच गए ऊपर,
फाइनली हमारे दर्शन पूरे हो गए हैं, तो हमें नीचे जाके ना लंगर खुद लेना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह खुद लेना पड़ता है, ठीक है ना। तो लंगर खाते हैं फिर निकल जाते हैं श्रीनगर के लिए ना, बहुत थक चुके हैं। जब श्रीनगर जाएंगे उसके अगले दिन मेरी बाइक की शादी स्टार्ट हो जाएगी, घर जाते जाते बाइक की शादी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही 28, 29, 30, 1, 2 तक शादी है, तो चलते हैं फिर लंगर खाने के लिए। सुबह फाइनली हम लंगर हॉल में पहुंच गए, तो मेरे को वहां पर बोला खुद ले लो खुद खा लो। तो देख जैसे कि मैंने अभी आपको कहा हमें खुद लंगर लेना पड़ेगा। लंगर में बने हुए हैं पूरी छोले, सुबह पहले हम लंगर खाने वाले हैं। लंगर में पता क्या क्या बने हुए हैं, पूरी छोले आपको दिखाते हैं, ये बने हुए हैं अच्छे से खाते हैं। फिर आपको 5-6 मिनट के बाद मिलेंगे, फिर बाहर जाके हम चाय भी पियेंगे। अभी सुबह फाइनली हमारे दर्शन पूरे हो गए, निकलते हैं अपने श्रीनगर के लिए। बहुत लेट हो गया, लंगर खाने को टाइम लग गया, उसके बाद चाय पिया हमने, ठीक है ना। तो वहाँ से निकलते डायरेक्ट श्रीनगर के लिए। ओके सुबह फाइनली हम गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं, ग्रीन लैंड गेस्ट हाउस में। यह लामा यूरो में आता है, जहां पर हमने अपना वो जो अपना एक बैग रखा था, तो कुछ सामान रखा था, तो यहीं पर रख के हम सीधा लद्दाख चले गए। तो यहां से आंटी ना, जो यहां की ऑनर आंटी है ना, वो चली गई है खलसी में, पता नहीं कुछ काम पड़ गया होगा। तो अभी उन्होंने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रही, शायद 10 या 20 मिनट में आ जाएंगी। ये रहा जब आते समय यहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे, ये रहा गेस्ट हाउस, ग्रीन लाइट गर्ल्स हाउस, ग्रीन लाइट गर्ल्स में बिल्कुल सस्ता दिया आंटी ने रूम। बहुत पहाड़ देखो कितना प्यारा लग रहा है, वहाँ पर ऊपर से एक टेम्पल भी है। सुबह फाइनली अपना सामान ले लिया, अच्छी तरह पैक भी कर लिया, तो अब निकलते हैं डायरेक्ट यहाँ से करगिल। करगिल से, करगिल में हमारा ताया जी वेट कर रहा है, उसको ये सारा सामान देना है, फिर फ्री जाएंगे श्रीनगर के लिए। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं करगिल के मार्केट में, तो अभी हमें द्रास जाना है। द्रास तो यहाँ से 65 किलोमीटर है यहाँ से द्रास, तो देखते हैं क्या सीन रहेगा, कितना टाइम लगेगा। वैसे तो 1 घंटा तो पता है, एक घंटा तो ड्यू है। तो गाइस यहाँ पता नहीं क्या सीन है, पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, रश है। फाइनली हम द्रास पहुंच चुके हैं, यहाँ से कम से कम 16 किलोमीटर है। तो यहाँ पर यहाँ जाते हैं अंदर करगिल वॉर मेमोरियल, जाते हैं अंदर, जब करगिल वॉर हुई थी ना सबका अंदर कुछ सब कुछ है, अंदर देखते हैं अच्छे, ठीक है ना, अंदर क्या है, छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, देखते क्या है। तो गाइस फाइनली हम अंदर आ चुके हैं, ये देखो कितना मस्त व्यू लग रहा है ना। तो हम जाते हैं, हम आ चुके हैं यहाँ पर करगिल वॉर मेमोरियल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ना बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर देखो कितना पुराना जेट है, क्या बात है, कितना पुराना जेट होगा आई थिंक। इस प्लेन के, इस जेट के सामने आ गया हम, ये फाइटर जेट है। सो गाइस यहाँ पर जो जेट खड़ा है ना, ये 1999 में यूज किया गया था, जो करगिल वॉर हुआ था ना, तो 1999 में यूज़ किया गया था ये तब का ये वो जेट है, तो यहाँ पर रखा हुआ है, अभी डैमी बना के रखा हुआ है इसको। गाइस हम और आगे आ चुके हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना अपने देश का तिरंगा। यहाँ पर दो अपने देश के तिरंगे लगे हैं, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, और एक बीच में उससे भी बड़ा वाला है ना, अच्छा लग रहा है, मस्त व्यू लग रहा है, मस्त व्यू। इसको बोलते हैं पैक लॉन्चर, ये मिनी लॉन्चर है, पैक लॉन्चर बोलते हैं इसको। एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, और सबसे बड़ा वे वाला मैं उसके पास लेके जाता हूँ, बड़े वाले के पास। आप भाई कितना बड़ा वाला है, इसका नाम भी पैक लॉन्चर है मुझे। तो ये वाला बड़ा वाला है ना, ये हो गया पहाड़ों के लिए, ये हिल्स पे अटैक किया जाता है, इसमें लिखा हुआ देखो ना, ठीक है ना, बैटल्स ऑफ PT-5140 गन हिल। अच्छा ये पहाड़ में यूज होगा जाता है, जैसे वो बड़ा पहाड़ है ना, वहां पर जाएगा ठल खत्म कर देगा पूरा पहाड़, ही दुश्मनों को एकदम से खत्म कर देगा। तो गाइस यहाँ पर एक म्यूजियम है, तो वहाँ पर अलाउड नहीं है वीडियो खींचना, तो मैं तो नहीं पता वहाँ पर वीडियो खींच पाएंगे कि नहीं खींच पाएंगे, नहीं पता, नहीं खींच पाएंगे शायद, मेरा फेस का कलर चेंज हो गया ना, देखो लिप्स कितने वो फट गए ना सारे ले मेरे।
वहाँ देखो ये अपना फ्लैग, तो वहाँ पर एक जोत जल रही है जो हमारे जवान शहीद हुए ना उनके लिए जोत जल रही है वो, और ये जलती रहती है 24 आवर जलती रहती है 24। सो गाइस फाइनली हम म्यूजियम से बाहर आ गए, वहाँ पर वीडियो ना फोटोग्राफी अलाउड था। वहाँ पर क्या था, जो असली वॉर हुई थी ना, जो असली जवान थे असली फोटोज लगी थी, और पुराने जमाने के वेपन से कुछ ना 199 के जो वॉर हुई थी उस टाइम के वेपन से कुछ वहाँ पर, और जो बम्स फटके थे मतलब लोहा बन गया था ना उसकी भी वहाँ पर रखे थे, मतलब सब कुछ था वहाँ पर। जितना भी आपको ये नज़र आ रहा है ना, सब जितने भी जवान शहीद हुए ना 1999 में, उनके सबके नाम लिखे हुए हैं इधर, सबके नाम लिखे हुए हैं। तो गाइस फाइनली हम कल दराज पहुंच गए थे, तो शाम को हम रुके थे दराज, तो आप दराज से निकलने वाले हैं अपने घर, ठीक है ना। वही वीडियो कंटिन्यू करूंगा लद्दाख वाली, थोड़ी बड़ी बन जाएगी, आपको उसमें भी सपोर्ट करना है। तो निकलते हैं, थोड़ी देर में हम निकलने वाले हैं। वो दराज की पहाड़ियाँ हैं पीछे से, बड़ी मस्त लग रही है, मस्त व्यू लग रहा है, आपको साफ नहीं आ रहा होगा, अभी दिखाता हूँ बैक कैमरे से। तो चेक इट आउट, ये रहा दराज पूरा, ठीक है ना। यहाँ से भी पहाड़ी है, ठीक है ना। उस गाड़ी, एक गाड़ी वो जा रही है, एक अपनी बाइक जा रही है ड्यूक ना, पीछे भी पहाड़ी है, मतलब ये दराज है सारा, यहाँ दराज के घर है ये वाले, ठीक है ना। 5 या 10 मिनट में हम निकलने वाले हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपको सीधा, आप रास्ते में मिलेंगे, अच्छी तरह वहीं पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है ना। वो अभी बाइक स्टार्ट कर रहा है अंगद, तो अभी गाड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी, साथ साथ चलेंगे हम एक साथ, ठीक है ना। चलो फिर गच्चा है, बाय बाय। सारी की सारी द्रास मार्केट, द्रास का मैं बस स्टैंड दिखाता हूँ, बस स्टैंड और समूह स्टैंड कहाँ से। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के सबकी नजर। सुबह यहाँ पर ना टेंडल बनने वाला है, यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा टेंडल जोजिला का। सुनो बस फाइनली हम जोजिला पहुँच गए, ये रहा जोजिला का गेट, और यहाँ पर ना पब्लिक आती रहती है जोजिला, ये 0 पॉइंट, इसको 0 पॉइंट बोला जाता है, जोजिला 0 पॉइंट। सो गाइस अभी हम पहुंच गए जोजिला 0 पॉइंट के पास, तो यहाँ पर भाई होते हैं, ये फोटो क्लिक्स करते हैं, इनसे मैं करवाने वाला हूँ फोटो क्लिक्स, ठीक है ना। भाई कैसी खींचोगे मेरी फोटो, आप देख लेना। आपका क्या नाम है? बशीर। आप यहीं पर हो? हाँ यहीं पर, ठीक है ना। बशीर अहमद इनका नाम है, आप इसकी इनकी शक्ल देख लो, जब भी 0 पॉइंट के पास आओगे ना जोजिला के पास, इनके पास फोटो क्लिक कराना, बड़े अच्छे बंदे है, अच्छी रेट लेंगे आपसे बस, ठीक है ना। चलो गाइस फाइनली फोटो शूट कंप्लीट हो गया, भाई से फोटोज ले लिए, क्योंकि यार नेट नहीं चल रहा है। मैंने भाई को बोला अपना अकाउंट नंबर दे दो, मैं घर जाके आपको ट्रांसफर कर दूंगा पैसे। भैया बहुत अच्छे हैं, भैया ने बोला घर जाके कर देना आराम से, जब 0 पॉइंट के पास थोड़ा फोटो क्लिक कर लेते हैं, ठीक है ना। सो गाइस फाइनली निकलते हैं 0 पॉइंट जोजिला से, अब जाएंगे सोनमर्ग, हमने खाना भी पैक करके लिए दराज से, रास्ते में पिकनिक बनाएंगे, पीछे देखो पहाड़ में बर्फ पड़ी हुई है, तो चलते हैं घर, लेट्स गो। भाई की शादी भी है कल, एंजॉय करेंगे शादी में, कल चावल साफ करना है घर पे, तो शादी में चावल स्टाफ कर देना स्टार्टिंग में, वो ही है कल। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में। गाइस फाइनली आ चुकी है वाटर क्रॉसिंग, तो करते हैं वाटर क्रॉसिंग। देखो जैसे कि गाड़ी अभी वाटर क्रॉस कर रही है, सुबह से होगी हमारी ताऊ की गाड़ी, तो हम पीछे बाइक में चल रहे हैं पीछे, तो देखते हैं कोई लोकेशन अच्छी सी ढूंढते हैं जहाँ पर हम पिकनिक बना सके अच्छी सी, ठीक है ना। तो बस ये लोकेशन ठीक है जहाँ पर हम पिकनिक बना सके, खाना खा सके, इतनी खाइए आओ अगर खाइए, यहीं बनाते हैं पिकनिक, हेलो। तो यहीं पर धूप अच्छी है, आगे ना पीछे पता क्या सीन हो गया था, पीछे ना बहुत ठंड हो गई थी, बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी, तो इस लोकेशन में धूप भी है, अच्छे से खाना भी खा पाएंगे और अच्छे से पिकनिक भी बनेगी, तो निकालते हैं खाना और खाते हैं। तेरा अपना टिफिन बॉक्स, दो टिफिन बॉक्स, एक में सब्जी एक में चावल, अच्छे से खाते हैं मस्त। सो कुछ ऐसी सी लोकेशन है, वहाँ से पानी चल रहा है और यहाँ पर हम खाना खाने वाले हैं, क्या बात है, ऐसी लोकेशन किस्मत वालों को मिलती है ऐसी लोकेशन, है ना। रास्ते से हम निकल रहे थे ना, अपने मेहमान मिल गए लंदन से, लंदन से आए हैं, यूट्यूब चैनल ये
Ice princess. Okay. What's your name? What's your name, bro? Colin. Colin. Okay. Sorry? Yeah. Colin. 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 Princess. Princess. Baby princess. Baby princess. Okay. Bye bye. Nice to meet you. Okay. Bye bye. So guys, finally हम श्रीनगर पहुंच गए हैं. अभी ईदगाह में है, ठीक है ना. अभी यहाँ से 10-15 मिनट लगने वाला है श्रीनगर के लिए. तो मिलते हैं घर पे, ठीक है ना. अच्छे से बात करते हैं. सो गाइस, फाइनली हम श्रीनगर पहुंच गए. लद्दाख का ट्रिप ना बहुत अच्छा रहा और लद्दाख मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. तो फिर एक बार जाऊंगा अपनी नई बाइक लेके. तो फिलहाल कल ना हम द्रास में रुके थे. द्रास वाली वीडियो और लद्दाख वाली वीडियो आने वाली ना, तो एक साथ बना ली. तो इस वीडियो को यहीं पर एंड कर लेते, ठीक है ना. तो मेरी बाइक की शादी, उसके भी व्लॉग बनाना है. तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अभी के लिए गुड नाइट. सब्सक्राइब करना और लाइक करना, उसके बिना नहीं जाना, ठीक है ना. बाय बाय.